बीआईटी मेसरा की छात्रा पल्लवी कुमारी की हत्या कर दी गई है और ऐसे में उनके माता पिता अपनी गुहार लेकर राजधानी रांची के SC/ST थाने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं, ये दोनों जो माता और पिता हैं ये लोग व्यथित हैं, अपनी बेटी को खोने का गम है और कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद भी अब दिखाई देती है कि प्रशासन उनको न्याय की उम्मीद दिलाए। ऐसे में ये राजधानी रांची के SC/ST थाने में अपने मामले को दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं, शिकायत लेकर पहुंचे हैं कि ताकि इनको न्याय मिल सके, इनकी बेटी के साथ इंसाफ हो सके। क्या कुछ हुआ था बेटी के साथ? सर वो लड़का जो है सर लड़की को पीछा करता था, मोबाइल से फ़ोटो खींचता था सर, आगे पीछे सर लड़की के बहुत परेशान करता था। ये बात हम लोग के 2 दिन से पता चला है सर, उसका हत्या होने के बाद। उसके बाद में लड़का बहुत परेशान किया, और लड़का बोलता है कि तुम घर में सब बात बोलोगे तो तुम लोग के सब परिवार के जान मार देंगे। तो लड़की हम लोग के डर से नहीं बताया सर। तो हम लोग के घर में हम लोग का बच्चा डर से किसी को नहीं बताया सर। और इन लोग 3 सहेली रहता था, मेघा केसरी और एक तो था साक्षी सिंह। साक्षी सिंह रहता था होसिंग में, मेघा रहता चुटिया में सर। और इसमें सारा गेम है मेघा का, मेघा केसरी का। मेघा केसरी ही फ़ोन से लाइनअप किया ही बच्चा को, और घर से हम लोग के कुछ बोल के निकला कि हम लोग जा रहे BIT जा रहे हैं, हम हॉस्टल गर्म कपड़ा लाने, स्वेटर वेटर जैकेट वैकेट अभी यहीं रहना है 1 महीना। हम लोग का अभी बंद है, अभी हम लोग का BIT मिश्रा बंद है, चूना पचौड़ा हो रहा है तो जा रहे हैं। उस बीच में सर नाश्ता कर रहा था मेरा बच्चा, तो नाश्ता किया तो ये है मेघा केसरी हमारा बच्चा का फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद में सर फिर काका फ़ोन से लाइनअप किया, ये लड़का ज़बरदस्ती स्कूटी में बैठा के लेगा सर, हम सुने हुए बात बता रहे। उसके बाद में मेघा केसरी भी नामकुम तरफ और काका कैसे इन लोग घूल मिल गया सर। उसके बाद में उधर हमारा बेटी का हत्या करके फेंक दिया। उसके बाद में 1 बजे अपना माँ जगह फ़ोन किया कि मम्मी देखो ना हमको मार रहा है। उसी बीच में खाली इतना ही बोला कि मम्मी देखो ना हमको मार रहा है, बस वो लड़का फ़ोन लूट के पीयूष पांडे पीयूष तिवारी मोबाइल छीन के स्विच ऑफ कर दिया। उसी समय से जो 1 बजे से स्विच ऑफ है हम लोग थक गए। लास्ट में हमको 5 बजे घर से फ़ोन आया कि आपका मेरा बेटा फ़ोन किया, हमारा बेटा लोग पहले पहुंचा था सर, जाते जाते उसका भी 1 घंटा समय लग गया। आरा गेट नामकुम आरा गेट थाना पड़ता है टाटा सिल्वर, तो इन लोग जाते जाते तब तक फिर हम डिप्टी से निकले 5 बजे रिम्स में। हम डिप्टी करते हैं, हम 4th ग्रेड के कर्मचारी सर, गरीब आदमी हैं। उसके बाद में हमारा बेटा फ़ोन किया, फिर हम रिम्स एम्बुलेंस ले कर गए तो वहाँ देख रहे थे हम जाते जाते मेरा अंधार हो गया है, कुछ क्या करेंगे उस एरिया का हम कुछ खोज नहीं पाए हैं। लास्ट में हम अपना हत्या बेटी को ला के प्रशासन के साथ में रिम्स में हम ही उठा के लाएँ सर एम्बुलेंस से। उसके बाद में हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो हम यहाँ देखे तो देख रहे हैं छुरा से सब धारदार चाइना तलवार से मारा हुआ है। कहाँ कटे के निशान? 5-6 माथा में है सर फटा हुआ, 5-6 जगह माथा में फटा हुआ है, पेट जगह मारा हुआ है सर, पेट जगह भी मारा हुआ है छुरा से। मतलब हत्या की गई? जी सर, हत्या किया हुआ है सर। और यही हम लोग क्या बोले सर, हम लोग कहते हैं कुछ दिल दिमाग काम ही नहीं कर रहे सर। हम लोग बहुत परेशान है सर, हम अपना गरीब आदमी थे सर, पेट काट काट के बच्चा के पहुँचाए हैं सर वहाँ तक, हरा देखिए मतलब बच्चा भी नहीं रहा सर, और ना ही हम लोग के कोई इंसाफ दिलाने वाला आदमी मिल रहा है, ना कोई सपोर्ट हम लोग के है सर। जो कुछ है तो आप ही लोग हैं, थोड़ा सा देखिए जो हम लोग के कुछ हो सके सर। वो लड़का के जल्द से जल्द गिरफ्तार करिए, गिरफ्तार करने के बाद फांसी दिलवाइए सर। बहुत लड़की झारखंड में एकदम हत्या हो रहा है, बहुत लड़की के साथ बहुत तरह तरह की बात हो रहा है, पेपर में गाड़ी में सब चीज़ में लिखा हुआ रहता है कि लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, मगर यहाँ लड़की के का बचाएगा, लड़की की यहाँ हत्या होते जा रहा है दिनों दिन। अरे झारखंड सरकार यहाँ सूता हुआ है, कुछ ध्यान ही नहीं देता है, तो हम लोग क्या करें। लड़का से संपर्क था लड़की का? ये लड़का ज़बरदस्ती लड़की को परेशान करता था सर, आज ये लड़की नहीं चाहता था लड़का की, गुस्सा सी लड़का, इसको लगता है कि अनजात से कुछ किया सर, हम लोग को ऐसा शक लग रहा है। खबर मिली कि लड़का? अभी 2 दिन से ऐसा हम लोग के बात मिल रहा है सुनने के बाद, 2 दिन से, और 2 दिन के ये कांटे हुआ है। किसी उनकी सहेलियों से कोई बात की? उसका सहेली से हम बातचीत नहीं किए सर, उसका सहेली को है मेघा कुमारी,
वो जानती है साक्षी सिंह, तो कॉलेज में भी हॉस्टल में जाके बीआईटी में ये लड़का धमकी दिया है, ये बच्चा लोग चाय पीने निकला मेरा बेटी लोग तो धमकी दिया, बोला कि किसी कोई परिवार के बोलोगे तो तुमको मार देंगे, और तुम हमसे प्यार करो, लव करो, हमसे शादी करो, और मेरा बेटी कुनूर मुनूर किया तो इसको दो तीन झापड़ सुनते सर मारा है कॉलेज के अंदर सर, बीएचटी मिश्रा के अंदर। कॉलेज में भी कोई डिसिप्लिन लगता है उतना है कि नहीं है सर? लड़का कहाँ का था? लड़का यही कुसुम विहार रोड नंबर 9 में रहता है सर, अंदर में है। वो भी पढ़ता है? नहीं सर, नहीं, रेंट घर में रहता है, लंगा लुछप्पा है सर वो लड़का, चोर चुहाड़ है, पियंकर है, गंजड़ी है, दो तीन बार वो जेल जा चुका है, और हॉस्टल उस्टल में इधर उधर सब जाके सबको धमकाता है, इधर उधर सबको मारता पीटता है। उनकी माँ से बात करते हैं, आप बताइए क्या फ़ोन आया था उस समय? मेरी बेटी घर में थी तो हम भी घर में, तो उसके पापा ड्यूटी गए तो मेरी बेटी बोली कि हम जा रहे गर्म कपड़ा लाने के लिए, गर्म कपड़ा, हम बोले कि मत जा बेटा हम खरीद देंगे, मेरी बेटी बोली नहीं हम भी जाएंगे, तो हम अपना बेटी को बोले हम भी साथ में चलते हैं, तो बोली कि मत जाओ हम जाके ले आते हैं कपड़ा। जाने के बाद हम दो तीन बार फ़ोन किए तो बोली कहाँ तक पहुँची बेटा, बोली बूटी मोड़ में, वहाँ तक फिर हम फ़ोन नहीं किए। फिर हमको एक 55 में आया फ़ोन तो बोलती है मम्मी हमको बचाओ ना मम्मी, बचाओ ना मम्मी, उसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद हम बार बार कॉल लगा रहे हैं, फ़ोन नहीं लग रहा है, स्विच ऑफ बताया जा रहा है। उसके बाद हमको 3:30 बजे आता है एक जगह से फ़ोन, बोलती है आप कौन है, बोले पल्लवी कुमारी का मम्मी बोल रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ पर एक लाश पड़ा हुआ है पल्लवी कुमारी का है, सो वहाँ तो हम लोग गए, वहाँ पर ही बोल रहा है कि मर्डर करके फेंका हुआ है। हमारा बेटा हमारा ननद सब दौड़ के वहाँ गए, मेरा बेटी एकदम चितपिताने पड़ा हुआ है, उसको बहुत ख़राब से मारा गया है, माथा में 3-4 जगह मारा गया है, और पीठ में भी मारा है, 2 जगह मारा है। ये मर्डर केस है सर, मेरा बेटी को न्याय दीजिए, और लड़का को जल्दी से जल्दी पकड़िए, अब फांसी दीजिए, हम लोग गरीब दुखिया हैं, हम लोग अब साथ दीजिए, सब साथ दीजिए। कभी बोली थी बेटी की? नहीं, बेटी बोली है, आज बोलती तो हम अपना बेटा को बताते, आदमी को बताते, आज तक हमको नहीं बेटा बताया, बेटी बताई कि ऐसा ऐसा बात है। उस लड़के के बारे में कुछ पता था? नहीं था, रहता तो आज हमारा बेटी थोड़ी ना खोते सर, पता रहता तो नहीं खोते, चोर गुंडा जगह थोड़ी जाने देते मेरा बेटी को, पता रहता तो वही है सर, मेरा बेटी को अन्याय दीजिए, और लड़का को जल्द से जल्द पकड़िए और फांसी दीजिए। उसका दोस्त लोग भी हमको कुछ नहीं बोली है, कुछ नहीं किया, नहीं कुछ नहीं, 1:55 में उसका फोन आया, उसका दोस्त का भी सूचो बता रहा है सर। आज जिस समय मेरा बच्चा को ऐसा हत्या हुआ है, मेघा भी साथ में था, मेघा केसरी भी साथ में था, उसके साथ में। इन लोग केसरी कहाँ रहता? चुटिया में रहता है सर, इन लोग 7 डे में बचपन में पढ़ा है, बड़ा हो गया तो मेरा अपना बच्चा लोग हम यहाँ एडमिशन करवाएँ बीआईटी मिश्रा में, और ये यहाँ सरला बिरला स्कूल में मेघा केसरी अपना एडमिशन करवाया, तो फ़ोन से कॉन्टेक्ट रहता, साथ में खाया पिया रहा, बचपन से पढ़ा लिखा क्लास था, फ्रेंड था सर, इन लोग जिगरी फ्रेंड, साथे खाता था पीता था रहता था, वो मेरे घर में खाता था, मेरा बेटी भी उसके यहाँ जाता था, हम लोग विश्वास भरोसा में रहे हैं कि चलो वो भी बेटी है, ये भी बेटी है, मैं गुरु देखिए विश्वास के विश्वासघात किया है सर। ये उस बेटी की माँ बाप हैं जिनको न्याय की आशा है, और ऐसे में प्रशासन के पास ये न्याय की गुहार लगाने पहुँचे हैं, आखिर प्रशासन इनको न्याय दे पाएगा या इनके आंसू पोंछ पाएगा, ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल उस हत्यारे की तलाश भी जारी है। ऐसे में कहा जा सकता है कि पुलिस जल्द से जल्द उस हत्यारे की गिरफ्तारी करे और उस बेटी के माता पिता को इंसाफ दिलाए। सवाल बड़ा है कि आखिर पुलिस प्रशासन उनकी आशाओं पर कितने खरी उतरती है, और जो प्रशासन लोगों की रक्षा के लिए बना है वो कितना न्याय करा पाता है। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची।
मिनी लंदन, मैकलुस्की गंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।